विश्व सहिष्णुता दिवस के अवसर पर राहुल प्रेक्षागृह सिधारी में शुक्रवार को एक बृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने तनाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है उसके बारे में बृहद रूप से बताया गया। साथ ही तनाव में हम किस प्रकार की गंभीर बीमारियों एवं मानसिक अवसाद में पहुंच जाते हैं, इन सभी पहलुओं पर भी खास जानकारी देने के साथ इसके निराकरण के उपाय भी बताए गए। विश्व सहिष्णुता दिवस के मौके पर राहुल प्रेक्षागृह में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि लालगंज से सांसद नीलम सोनकर रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र कुमार, शहर के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुप कुमार सिंह सहित कई सामाजिक संस्थाओं के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों का कहना था कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति कहीं न कहीं से तनाव से ग्रसित है, जिसको हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कम कर सकते हैं, और यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जनपद के सभी सरकारी अधिकारियों सहित पुलिस पीएससी व जनपद के समस्त सम्मानित पत्रकारों एवं शैक्षिक संस्थाओं के पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, जिनको विशेषज्ञों द्वारा तनाव किस प्रकार कम किया जाए उसके बारे में बताया गया है। टुडे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी की गाड़ी किसी दूसरे से टच कर गई, गोली मार देता है, उसी पर गाली गलौच होता है, बिना बात के लोग झगड़ते हैं, कोई उसमें ऐसा कारण नहीं रहता है, खाली लोगों में सहनशीलता कम हो गई है। इस सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए, इस सहनशीलता के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इसको हम लोग बढ़ावा दें और कैसे अपने गुस्से को कम करें, इसी के लिए अब ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है। एक ही ओरिएंटेशन है, लोगों को एक पब्लिक को बताया जाए और फिर इसको हम लोग अपने अस्पतालों के माध्यम से इसका भी प्रचार कराएंगे और इसके पूरा पूरा जो इलाज होगा, जो उसके कारण होंगे, उसको ढूंढे जाएंगे और उसका ठीक से इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम तो जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छी एक योजना है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। इसके तहत हम लोग आजमगढ़ जिले में 1,18,000 के परिवार हैं इनको सेलेक्ट किया गया है 2011 की सेक्स सूची के आधार पे। उन सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी की ओर से एक पत्र आया था, उसी को वितरित करने के लिए आज सांसद महोदया ने इसको अपने कर कमलों से इसको वितरित किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनुप कुमार सिंह का कहना था कि तनाव से हमें किस प्रकार की गंभीर बीमारियां एवं मानसिक अवसाद में हम पहुंचते हैं, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, इसके निराकरण के उपाय भी इन लोगों द्वारा बताए गए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ टीम में न्यूरोसर्जन के साथ मनोचिकित्सक, काउंसलर एवं योग गुरु अपनी प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। इस तारीख में अगर हम मानसिक समस्याओं को देखें तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और तमाम इसके कारण हैं, जैसे कार्य क्षेत्र लोगों की अपनी बीमारियाँ, कुछ पारिवारिक समस्याएं, तो हम सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए और हमें एक बेहतर माहौल अपने परिवार को, अपने बच्चों को देना चाहिए, अपने वर्क एटमोसफेयर को देना चाहिए, ताकि हम जो मानसिक समस्याओं से बहुत तेज़ी से आज का युवा और एक पीढ़ी शिकार होती जा रही है, आप देखिए बच्चों में कितने ज़्यादा सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए इस चीज़ को अब हमें मानसिक और पूरी तरीके से स्वीकार करना होगा कि मानसिक समस्याएं एक बड़ा रूप ले रही हैं और हमें अपने परिवार को, अपने समाज को इससे बाहर निकालने के लिए हम सब लोगों को जागना पड़ेगा, ताकि हम समय रहते मनोरोग विशेषज्ञ से मिलें और इसका समुचित जांच और उपचार कराएं, क्योंकि ये सारी समस्याएं ट्रीटेबल हैं। हमारे शहर में तमाम अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर विंद हैं, डॉक्टर नितिश यादव जी हैं, हमें इन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि अभी कभी भी अगर हम अपने आसपास अपने परिवार में किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं कि वो किसी मानसिक समस्या का शिकार है, तो समय रहते डॉक्टर से विजिट से हम उससे ठीक हो सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं।